你俺都前面就参加参加我的是你们必须跟我的妹妹的मैं अपनी मंगनी की अंगूठी वापस लेने के लिए आ गया हूँ। अरे अरे ये क्या कह रहे हो शहरयार? तो आपको नहीं पता क्या ये कि उनुषा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया? पर मैंने तो कुछ नहीं कहा ऐसा। कहना जरूरी नहीं होता है, आवाज आपकी शिकवा कर रही थी, आंखों से बेजारी आपकी तपक रही थी। अब प्लीज प्लीज पापा को कुछ ना बताना। नहीं, पापा से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पापा आप? हाँ मैं आज सब को तौफीक मंजिल में आप लोगों की मौजूदगी में आपको गवाह बनाकर शहरयार मियां का उधार चुका रहा हूँ। पापा बात सुनिए। मैं भी आया। कितने पैसे चाहिए शहरयार को? अरे नहीं बेटा, वो तो मुझसे मेरी सारी दौलत मांग रहा है। तो क्या सब कुछ छीन लेगा हम दोनों से? देखो अगर उसने सबसे मेरी कीमती शेयर ले ली मुझसे, मेरे तो कुछ भी नहीं रहेगा और मुझे जरूरत भी क्या है। तो फिर ये हो सकता है कि रहने दे मंगनी को फिर आप हैं? उषा ड्रामे की क्लिप थी, उषा ड्रामे की क्लिप थी और हमारे साथ ही जो है मौजूद है हीरो जो है वो अब तो वो बाकायदा हीरो हैं। उस जमाने में नए नए आए थे, बिल्कुल कच्चा तोड़े डेब्यू था उनका, बिल्कुल नए थे और एक बाइक पे आए थे और माशाल्लाह से अब इज्जत भी है, दौलत भी है, मुकाम भी है। अदनान सिद्दीकी मौजूद है यहाँ पे जी, और वो यहाँ पे नीचे आ गए बजिया के स्टूडियो भी। कैसे आप? और ये मेरा बेटा भी है, मेरा नामान भी है, क्योंकि नहीं को मैं नहीं खान जो प्रोड्यूसर है वो मेरे लिए बेटे से कम नहीं है, ये उनका नामान भी। अब भाई कैसे सिलेक्शन हुआ था आपका इस ड्रामे के लिए, रुक्सा के लिए? रुक्सा पहले ड्रामा था आपका? नहीं, एक लॉन्ग से किया था मैंने, मगर क्लेम टू फेम तो बिल्कुल रुक्सा को जाता है। और हुआ ये था, एक मेरे अंदर मकसूद साहब का एक लॉन्ग प्ले किया था जिसका नाम खाबों की जंजीर था। उसके बाद कासिम जलाली साहब और ऑफकोर्स बज्जो को मैं पहले से जानता था, अरे भाई तुम इसमें हो, तो ऐसे हुआ था। और मुझे नहीं पता था कि मेरा पहला ही सीरियल मुझे कहाँ पहुँचा देगा, और बाकी इसमें इन सब की मेहनत थी। और बाकायदा मेरा और मिशी का, हम दोनों का टेस्ट तो हुआ ही था और हमारी क्लासेस होती थी बच्चों के घर में उर्दू की। इतनी आपकी कमाल की एक्टिंग थी, भी हम शुरू में सीन दिखा रहे थे वो गुलदान नीचे टूटे, मैंने कहा तानसेन जब पहले जल जाता था यहाँ पे आपकी, माशाल्लाह से बता रहा हूँ और ये मैं आपको दिखाऊंगा रिवाइंड करके, आप बकायदा दो गुलदान। वैसे उरूसा में बजिया कभी किसी से डरी नहीं, बजिया ने जो बजिया ऐसी बात करती नहीं कि कोई कुछ कहे बजिया को, लेकिन बजिया एक ने एक का लिहाज किया था क्योंकि उरूसा